आज हम करेंगे कविता उषा। उषा कविता को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। इन्होंने इस पूरी कविता में क्या बताया है, पहले एक दो लाइन में मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं पूरी कविता लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं तो आपको ये कविता और अच्छे से समझ में आए। देखो, कवि ने इस कविता में उषा का जिक्र किया है। उषा मतलब सुबह, सवेरा या मॉर्निंग, कुछ भी कह लो, सुबह या सवेरा जब भी आप देखते हो तो बहुत सुंदर ही नजर आता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे या ज्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जो सुबह का आसमान देखते ही नहीं होंगे, मतलब देखते होंगे लेकिन उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी होती है। मतलब सुबह सुबह जब सवेरा होता है, या यूं कह लो कि सूर्य उदय होने से पहले से और उसके बाद तक जो वातावरण, जो आसमान में परिवर्तन आता है, उसके बारे में इस पूरी कविता में जिक्र किया है, या यूं कह लो कि उस पूरी सुंदरता के बारे में इस कविता में वर्णन है कि कितना सुंदर होता है उस समय का आसमान। मैं आपको समझाता हूं कि सुबह एक्चुअल में होती कैसी है। देखो, दरअसल जब आप उठते भी नहीं हो, मतलब तब की बात करूं मैं, हालांकि हो सकता है ज्यादातर बच्चे सूर्य उदय होने के भी कई देर बाद ही उठते होंगे। आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना अपना अपना टाइम कि आप कितने बजे उठते हो। दरअसल उस पर डिपेंड करता है कि आपने इस तरह का आसमान देखा है या नहीं देखा। किस तरह का? देखो, जब सुबह होती है, बिल्कुल सुबह, या यूं कह लो कि अभी सूर्य उदय हुआ भी नहीं है, अच्छे से काला आसमान होता है। अब काले आसमान के बाद, यानी कुछ टाइम के बाद, लाल आसमान हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य उदय हो चुका होता है। ये जो स्थिति थी काले आसमान की, यहां पर काले आसमान तब हुआ जब सूर्य उदय हुआ भी नहीं है अभी। उसके बाद कुछ टाइम के बाद सूर्य उदय हो जाता है, होने के बाद वो लाल आसमान बन जाता है। इसके कुछ टाइम के बाद वो सफेद आसमान हो जाता है, मतलब सफेदी सी दिखने लग जाती है। तो ये तीनों स्टेजेस कवि ने इस पूरी कविता में बताई है, बस इतना ही है। लेकिन इसको ऐसे नहीं बताया कि काला आसमान होता है, फिर लाल हो जाता है, फिर सफेद हो जाता है। इसको दूसरे तरीके से समझाया है। क्या कहा है कवि ने? काले आसमान की तुलना की है कि जब सुबह का समय होता है, बिल्कुल सुबह होती है जब, तब ऐसा लगता है जैसे राख से लिपा हुआ चौका हो। अभी चौका क्या होता है? दरअसल गांवों में ये स्थिति देखने को मिलती है कि चूल्हा चौका लीपा जाता है, चूल्हा चौका जिससे जिसमें रोटियां बनती हैं या इस तरह की खाना वगैरह बनता है, पानी भी गर्म होता है, तो वो चौका ही होता है। तो वो चौका किस तरह का, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं, इसको चौका ही कहते हैं। तो ये चौका जब लीपा जाता है या जब बनाया जाता है, ये कैसे बनता है? ये राख से बनता है। राख किसी भी चीज की हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है, कोई कागज वगज की भी हो सकती है, इस तरह के और भी कुछ भी जलाओगे उसकी राख ही बनती है। तो वो राख से लीपा जाता है चौका। अब चौका जब होता है या बनाया जाता है, उस समय का वो चौका किस रंग का होता है? ठीक वैसा ही रंग आसमान का होता है उस समय, मतलब बिल्कुल काला भी नहीं, थोड़ा थोड़ा मटमैला रंग। तो राख से लिपा हुआ चौका भी वैसा ही है, ऐसा बताया है कवि ने। दूसरी स्टेज के लिए क्या कहा है? लाल आसमान। जब लाल लालिमा छा जाती है, सूर्य उदय हो जाता है, तो चारों तरफ लाली लाल लालिमा हो जाती है। क्यों? सूर्य उदय होने की वजह से। जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो चारों तरफ लालिमा लालिमा छा जाती है, लाल रंग आ जाता है। उसकी तुलना किससे की गई है वो भी यहां लिखा है मैंने वैसे। लेकिन उसके बाद जब सफेद आसमान आता है, या यूं कह लो कि सूर्य उदय अच्छे से हो जाता है पूरे तरीके से, तो आसमान सफेद हो जाता है, नीला रंग से बदलते हुए बिल्कुल सफेद हो जाता है। तो उसकी तुलना किससे की है? कि जैसे कोई नीला जल हो, नीले जल में, क्योंकि नीला आसमान है, नीले जल में गोरे रंग का शरीर जैसे लहरा रहा, मतलब इस तरह का रंग, इस तरह का आसमान हो जाता है जब सूर्य उदय अच्छे से हो जाता है, या ऑलमोस्ट वो ऊपर आ जाता है। लेकिन बहुत ऊपर आने की वजह से, या यूं कह लो कि 12 एक बज जाती है, जब 12 एक बजे की स्थिति क्या होती है, तब तक आसमान का जो रंग होता है, या यूं कह लो कि आसमान की जो सुंदरता होती है, वो सब खत्म हो जाती है, या यूं कह लो कि आसमान का जो जादू था वो खत्म हो जाता है, टूट जाता है। इसी के बारे में ये पूरी कविता है। मैंने आपको ये चीज नहीं समझाई है अभी, वो मैं पैराग्राफ के साथ ही समझाता हूं। आइए देखते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। अब नभ का मतलब तो आप जानते ही होंगे, आसमान। प्रातः यानी सुबह, सुबह का आसमान ऐसा था जैसे बहुत नीला शंख जैसे, जैसे कोई नीला शंख होता है ना, बिल्कुल वैसा ही आसमान लग रहा था। और क्या बताया? भोर का नभ। भोर का मतलब वही होता है सुबह का आसमान। सुबह का आसमान कैसा लग रहा है, ये अगली लाइन में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली लाइन। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, मतलब
आसमान में देखने से, कब कब देखने से, जब सुबह का आसमान, बिल्कुल सुबह, सूर्य उदय अच्छे से हो भी नहीं पाया अभी, तो सूर्य उदय होने से पहले का समय ऐसा होता है जैसे राख से लिपा हुआ चोका हो। मतलब आसमान को देखने से ऐसा लग रहा है जैसे राख से लिपा हुआ चोका होता है ना, बिल्कुल वैसा ही आसमान हो गया है, या यूं कह लें कि वैसा ही रंग आसमान का है। लेकिन एक ब्रैकेट में लाइन लिखी है क्या, कि अभी गीला पड़ा है। क्या गीला पड़ा है? ये चोका। चोका जब लीपते हैं, लीपते का मतलब बनाते हैं, जब वो बनाते हैं चोका या चूल्हा, तो राख से लीपा जाता है, उसको बनाया जाता है, लेकिन उस समय उसको गीला करके बनाते हैं, क्योंकि अगर वो कठोर हो गई राख या वो जम गई तो वो अपना आकार नहीं लेगी। जैसे आपने मिट्टी का भी देखा होगा, कुम्हार किस तरह से गीली मिट्टी से अपने अलग अलग बर्तन बनाता है, ठीक ऐसे ही राख से भी चोका लीपा जाता है, या यूं कह लो उसको आकार दिया जाता है। जब आकार दे देते हैं, बन जाता है, तो वो धीरे धीरे सूख जाता है, लेकिन उससे पहले वो गीला होता है। तो चोका ऐसा है जैसे वो गीला पड़ा हो। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि आसमान भी तो गीला है, मतलब आसमान में अभी नमी है। आपने देखा होगा ना, दोपहर की तुलना में सुबह सुबह बहुत सुबह बहुत ठंड सी हो जाती है, या मतलब ठंड सी नहीं तो कम से कम टेम्परेचर डाउन तो होता ही है दोपहर की तुलना में। तो ऐसी स्थिति यहां पर है। क्या कहा कवि ने? जानबूझकर ये लिखा, अभी गीला पड़ा है। क्या गीला पड़ा है? चोका। चोका गीला पड़ा है मतलब आसमान गीला पड़ा है, या यूं कह लो कि आसमान में अभी नमी है, ऐसा है आसमान। आगे देखिए, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो। अब धीरे 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 दूसरी स्टेज आ गई है। दूसरी कैसी? लाल आसमान, यानी सूर्य उदय हो जाता है, अच्छे से तो नहीं लेकिन निकलना शुरू हो जाता है। अभी बहुत अच्छे से नहीं निकला है, थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो गया। तब कैसी स्थिति आती है? काली सील। काली सील क्या होती है? सील जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं, इससे मसाला कूटा जाता है। पहले के जमाने में ऐसा होता था, आजकल तो मिक्सचर आ गए या और भी कई तरह के यंत्र आ गए हैं, लेकिन 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 इन मशीनों का युग से पहले ये इस तरह की काली सील हुआ करती थी, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। ये काली सील से मसाला पीसा जाता था, और काली सील से अगर लाल केसर पीस दो ना, केसर जो कि लाल होता है, तो उसको अगर पीस दिया जाए उस सील से, सील का रंग कैसा होता है? ऑलमोस्ट काला, ऑलमोस्ट मतलब कुछ हल्का हल्का काला काला रंग, मटमैला रंग कह सकते हो, तो वो मटमैला रंग जैसी जो सील होती है उसमें अगर केसर पीस दिया जाता है तो उसके ऊपर भी लाल रंग चढ़ जाता है, थोड़ा थोड़ा, बीच बीच में काला रंग भी दिखता है, लाल रंग भी दिख रहा होता है। मतलब इस तरह की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही आसमान की हो गई है। आसमान ऐसा ही हो गया जैसे किसी काली सील से लाल केसर जरा सा क्या हो गया है, जैसे धुल गई हो। मैं एक बार हिंदी दोबारा बता देता हूं, बहुत काली सील, बहुत काली सील हो जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो, मतलब वो उसके चारों तरफ लाल केसर ही लाल केसर हो, ऐसा हो गया है आसमान। मतलब कवि के कहने का भाव यही था कि चारों दिशाओं में लालिमा छा गई है, लाल रंग हो गया है। चलिए आगे देखते हैं इसी स्थिति को, मतलब अभी दूसरी ही स्थिति चल रही है, एक और तुलना की है किसने? कवि ने। क्या कहा है? बात वही है, बस शब्द बदल गए, कुछ कुछ वैसा ही लिखा है। देखो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, मतलब स्लेट होती है ना, स्लेट कैसी होती है, पहले के जमाने में यूज होते थे, तो ये स्लेट कैसी है? ये स्लेट है काली, और काली रंग पर यानी काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक, चौक जो आप यूज भी करते होगे, स्कूल में देखते भी होगे, वैसा ही चौक है, लेकिन लाल रंग का अगर चौक काले रंग पर रगड़ दिया जाए या काली स्लेट पर रगड़ दिया जाए तो कैसी स्थिति होगी? बीच बीच में काला भी दिख रहा होगा, ज्यादातर लाल दिख रहा होगा, तो इस तरह का आसमान भी है। बात वही है, शब्द वही है, सॉरी शब्द बदल गए, बात वही है, अर्थ वही है, भाव वही है। देखो क्या लिखा है, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया चौक से मल दिया हो या लिख दिया हो, साथ चारों दिशाओं में लालिमा ही लालिमा दिख रही है। बच्चों कवि का नाम मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। अब आगे देखिए, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल थे जैसे हिल रही हो, मतलब इन तीन पंक्तियों में क्या बताया कि नीले जल मतलब नीला जल हो, नीले रंग का पानी हो, उसमें गोरे रंग का शरीर जैसे हिल रहा हो, गोरा गोरा शरीर हो और उसमें तैर रहा हो। अब ये स्थिति कैसी होगी, मतलब बीच बीच में वो गोरा रंग दिख रहा है नीले रंग के बीच, ऐसी स्थिति आसमान की है। अब यहां पर इसको पढ़ते हैं शब्दार्थ के साथ। देखो, गोर का मतलब है गोरी रंग का शरीर, गोरे रंग का शरीर कह लो, देह मतलब होता है शरीर, और झिलमिला रहा मतलब झिलमिला रहा है, लहरा रहा है, ऐसा ही कुछ। देखो, नील जल में यानी नीले रंग के जल में या किसी की गोर झिलमिल देह, ऐसा लग रहा है जैसे किसी नीले जल में गोरे रंग का शरीर झिलमिला रहा हो, तैर रहा हो, ऐसा ही। और आगे भी लिखा है जैसे हिल रही हो, झिलमिला रहा हो, हिल रहा हो, तैर रहा हो, बात एक ही है। तो ऐसा लग रहा है आसमान, आसमान की स्थिति ऐसी ही हो गई है, यानी नीले रंग के बीच कुछ कुछ सफेद रंग दिख रहा है।
अब आखिर की दो लाइन ध्यान से समझना, और लिख दिया कवि ने। अब क्या हुआ, अब आ गया आसमान बिल्कुल, मतलब आसमान नहीं सूरज, सूरज बिल्कुल ऊपर आ गया, सूर्य उदय अच्छे से हो चुका है, बहुत अच्छे से 12-1 बजे का टाइम हो गया। अब स्थिति क्या है, अब क्या आसमान बहुत सुंदर लग रहा है? शायद नहीं, आसमान का जो जादू था, आसमान में जो सुंदरता थी जो सुबह से लेके काफी टाइम तक रही, वो अब टूट चुकी है, मतलब वो जादू टूट गया है, वो सुंदरता खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि सूर्य उदय हो गया है, ऐसा ही लिखा हुआ। देखो, जादू टूटता है इस उषा का, अब इस उषा का, इस सुबह का अब जादू टूट गया है। क्यों? क्योंकि सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय पहले तो थोड़ा हुआ था, अब अच्छे से निकल आया है। अब स्थिति यह है कि अब जादू टूट चुका है उषा का, यानी सुबह का। बच्चों, आपको लग रहा हो ये कविता खत्म हो गई है? जी नहीं, अभी तो आपको इसी कविता के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये सारी चीजें पढ़नी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक चीज और भी मिलेगी, क्या? इसी कविता की रिटन एक्सप्लेनेशन, यानी आपको सप्रसंग व्याख्या भी पढ़नी है, देखनी है, वो भी लिखी हुई आपको चाहिए तो ये भी मिलेगी। लेकिन ये चारों चीजें आपको मिलेंगी कहां? ये चारों चीजें आपको मिलेंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, नाम रखा है लिंक का फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास, इस नाम से एक लिंक मिलेगा कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं। ये चारों चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपका होगा, आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट, देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे से समझ लिया है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हो तो आप देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए, आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए केसर, बी सिंदूर, सी झील और डी शंख। आपके 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0, सही उत्तर है ऑप्शन डी, शंख जैसे। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ, उषा का जादू टूटने का क्या कारण है? आपके ऑप्शन ए ओस, बी सूर्य उदय, सी चंद्रास्त, डी तारे। 5, 4, 3, 2, 1, 0, सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूर्योदय। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न, उषा कविता में राग से लिपा हुआ क्या बताया है? बच्चों, आपके ऑप्शन ए फर्श, बी चौका, सी दीवार, डी कालीसील। 5, 4, 3, 2, 1, 0, सही उत्तर है ऑप्शन बी चौका। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न, उषा कविता में बहुत काली सील की किससे धुलने की बात कही गई है? आपके ऑप्शन ए खड़िया, बी पानी, सी लाल केसर, डी वर्षा। 5, 4, 3, 2, 1, 0, सही उत्तर है ऑप्शन सी लाल केसर। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लिंक में आपको A to Z सिलेबस एक ही पेज पर, एक ही लिंक पर मिल जाएगा, तो कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।